जल के रह जाएगी ये धरती, ये जगन जल जाएगा, नफरतों की धूप में सारा चमन जल जाएगा, नफरतों की धूप में सारा चमन जल जाएगा, और मंदिरों मस्जिद के झगड़े बंद कर दीजिए जनाब, मंदिरों मस्जिद के झगड़े बंद कर दीजिए जनाब, वरना जिद की आग में अपना वतन जल जाएगा। और तो ये दीवार नफरत का अब वरना, तो ये दीवार नफरत का अब वरना, तो ये दीवार नफरत का अब वरना, मौलवी की कोठरी पंडित भवन जल जाए। बरकत के लिए मतलब तकरीर नाथानी नकावत आपने समाज की, मैं ये बात मती का इंतजाम कर दिया जाएगा, सुनने सुनाने का मौसम सिर्फ 5 से 10 मिनट आप लोग बर्दाश्त कर ले, इंशाल्लाह जैसा होगा वैसा किया जाएगा। मेरे दोस्तों आज इस दौरे जदीद में आप देखिए, आज इस्लाम के चिहार जाने कैसे हमला किया जा रहा है। आज लोग ये कहते हैं कि जब सुन्नी लोगों का दिमाग खराब होता है तो कभी बिरयानी, कभी जर्दा, कभी खीर, कभी मालिदा, कभी मुर्गा, ये खाना तैयार करके इस पे कुछ पढ़ करके खाना खाते हैं। उन नादानों से मैं कहना चाहता हूँ, आज वो गली गली शहर शहर ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये सुन्नी लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अगर ऐसा है नबी के जमाने में होता था तो मुझे बताया जाए, मैं उन नादान से कहना चाहूँगा, आका अलैहि सलातो व सलाम की बारगाह है, साहबिए रसूल है, और रब्बे अनस इब्ने मालिक है, और रब्बे अनस इब्ने मालिक इरशाद फरमाते हैं कि मेरी माँ ने एक प्याले में कुछ दिया जिसमें घी खजूर और दही को मिला दिया गया था, जिसे हम और आप मालिदा कहते हैं। हजरते अनस इब्ने मालिक है, वो इरशाद फरमाते हैं
खाना सामने रख करके उस पे कुछ पढ़ना, ये मेरे सरकार से साबित है। आज लोग ये भी एतराज करते हैं कि सुन्नी लोग पूरी पूरी रात मिलाप करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आदम, मैं औलादे आदम का सरदार हूँ और मैं ही हूँ कि सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोलूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने अपना मिलाद खुद बयान फरमाया। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं पैदा हो रहा था, मेरी माँ ने एक ख्वाब देखी, ख्वाब में एक रोशनी देखी और रोशनी ने शाम के सारी मोहल्लात को देख लिया। अब बताओ कि मुस्तफा ने अपना मिलाद खुद बयान फरमाया कि नहीं फरमाया? जब अल्लाह के नबी अपना मिलाद खुद बयान फरमा रहे हैं तो ये लोग ये कहते हैं ये तो एक मिनट का मिलाद हुआ, लेकिन सुन्नी लोग पूरी पूरी रात मिलाद करते हैं, ये कहां से साबित है? मैं उन नादान से कहना चाहता हूँ, आओ उलमाए किराम के करीब आओ, इनकी दस्तबोसी करो, इनकी कदमबोसी करो और अपने ज़हन में ये बात बैठा लो। आका अलैहिस्सलाम वसलम के जमाने में जब ये रसूल मौजूद थे, आका अलैहिस्सलाम वसलम की बारगाह है जब ये रसूल हाजिर है, मेरे सरकार तशरीफ फरमा है, आका की नबूवत और रिसालत की रोशनी जब ये रसूल में डायरेक्ट पड़ती थी, उनकी रूहानियत भूखी नहीं थी, उनकी रूहानियत प्यासी नहीं थी। हमारा जमाना ऐसे रिसालत से बहुत दूर है और नबूवत और रिसालत की रोशनी बहुत सारे दस्तों से हम तक पहुंच रही है, इसलिए हमारी रूहानियत भूखी है, हमारी रूहानियत प्यासी है, हमें लंबे जिक्र की जरूरत है, हमें लंबे मीनार की जरूरत है। इसलिए मुसलमान लोग उन नादानों से कहे, आज ये कहता है कि जिसका हाथ टूट गया वो भी कहता है हमारी तरह, जिसका पांव टूट गया वो भी कहता है हमारी तरह, जिसके पास एक आंख है वो भी कहता नबी हमारी तरह, दोनों हाथ का लोहा कहता नबी हमारी तरह। मेरे दोस्तों आज यूं कह लिया जाए कि पूरा देवबंद ये कह रहा है कि नबी हमारी तरह है, लेकिन एक बहुत दिन पहले एक पंडित के दरबार में भड़क गया था और कहा था महाराज आज पूरी दुनिया नबी को अपनी तरह कह रहा है, आज पूरे देवबंद के मुल्ला नबी को अपनी तरह कह रहा है, और महाराज आप न बरेली है, आप न देवबंदी है, बल्कि आप एक पंडित है, आप उनके बारे में क्या कहते हैं? तो पंडित महाराज ने कहा था तुम मुझसे सुनना चाहते हो तो सुनो, जो पूरी कायनात में पूरी दुनिया में पूरे संसार में कोई हो तब तक कहती हो, पूरी कायनात में कोई हो तब तो कह दो वैसे है। आगे सब आदमी मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब आदमी बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। करीब सलाम।